गाइस, तो अभी जस्ट गोपाल जी एक तड़कता भड़कता आइडिया दिया, और आइडिया क्या दिया है बताओ। कि बोरा लेके आमन चाचू के अच्छी आम के पेड़ के पास जाएंगे हाँ। और वहां बैठ के आमो खाएंगे, हबो आएगा, है ना गोपाल जी? हाँ। और ये आइडिया था मेरा गोपाल जी के कि बोरा लेके चल आमन चाचू के आम के पेड़ के पास, वो जा पड़ी बैठो करिए, हबो लगता आमो खाए भाई का गोपाल जी। हाँ। तो ये हम लोग अभी वेट कर रहे किसका, सन्ना पो के। तो जब तक हुआ नहीं जाए तब तक फिर हम लोग जाएंगे बोरा लेके आम के पेड़ के पास। ये देखिए खिड़की के बाहर अभी धूप भी बहुत ज्यादा किया हुआ है ना गोपाल जी, तो आप लोग तब तक बने रहिए ब्लॉग में। तो गोपाल जी आज वो गाना सुनाने वाला है, गाओ गोपाल जी। गोपाल जी के रिंग में निकला इतना सारा गाड़ी हमरे दे में को आई, देखिए इसका रिंगो चरावे आ गई है, ऐसी दिन में लड़ाई होता है। ना दे तो ठीक, कोई बात ना, ना देते मैया के देवे गोपाल जी ना ठीक ले ले ही तो ऐन रु जाता ना कि मैं रिंगो ना निकाल ले रे उतना कि तो खिलौना निकल गेल दे दे ना तू तो डेली रिंगो खाए तो डेली खिलौना निकल हुए को दे दे देखो देखिए। तो गोपाल जी के गाड़ी निकला है, गोपाल जी के रिंगो हम खा रहे हैं, गाड़ी से ही खेल रहा है। कैसा लग रहा है गाड़ी से खेल के? बहुत अच्छा। देखो तो गाड़ी खराब हो जाए तो जल्दी कोची करें गोपाल जी, गाड़िया खराब हो गया तो स्प्रिंग वाला निकाल ले है ही। हाँ स्प्रिंग में घुसा में से खराब हो गलो तर गाड़ी, अब स्प्रिंग तू निकाल के खराब कर देला ना, खराब खराब हो ले। देखी तो चकवा दोनों निकलल हाउ तब तेज ना चलता हूँ, वैसे लगा है रे, वैसे एकदम मैकेनिक इंजीनियर बने हैं गोपाल जी। गोपाल जी आप तोरा कोई चिन्ह हो कि ना? चिन्ह के चिन्ह कोई बोल कहो है कि तुमको चिन्हते हैं का एगो लाइक आज हम छनी हम कैसा भी से त एगो लाइक हमरा पहचान गेलो। पहचान के कोची कह कहो गोपाल जी त बोले कि हां तो हम वीडियो बड़ी देख तोरा कह कहो। हां तो तू कोची कहने मिलवा दे कहानी तक तू कहने की मिलवा दे कहानी तब पुआ से लेवे आवे कर लेके आवे कर छलु कुतवा सब डर के। हां ओ कुतवा से डर गेलो, तू कुतवा से ना डर ली तो आप कोई पहचाना हम सौड़े सौड़े जाए था सब स्कूल के लाइक सब स्कूल के लेकिन पहचाना है कोची तो तोरा सब फोटो फोटो कहो तो सेलिब्रिटी वाला फील आवा होता की तोहरे वो लड़की फोटो मांगो कौन लड़की है मैं फोटो मांग के है तो तू ये कर है ना तू हमरा से अगर फोटो बांट दे है आज के बाद बोल नहीं अब तू हमरा से कट्टीस चल ले कट्टीस 38 32 साल भर कट्टीस पल जी। मुकेश अंबानी के चिन्ह है तू? हाँ। के हथीन है बताओ अनंत अंबानी के शादी तो देख ले हाँ। कैसे हो बहल है ओकरा में ले लेगो बहुत दूर से आदमी गाना गावे जस्टिन बीबर पवन सिंह हाँ अखे साड़ी लाल तू ची नही कैसन दिखे अनंत अंबानी हाँ? चमोटी जैसा हाँ। तो मुहमा देखनी है हाँ। बियाह में गेल है नी तू पगला गाइस तो ऊपरे खाली हम आए थे वॉइस ओवर करने मतलब एडिटिंग करने, और एडिटिंग करते करते वीडियो का हालत ये हो गया बताइए। मात्र 10 से 15 मिनट के लम्बे ऊपर आया था कि वॉइस ओवर कर लेता, नीचे मर भाई नहीं था ना काय कुछ रदम कर रही थी ना कि नीचे कुछ करे में नहीं बन रहा था, सोचे कि ऊपर आते हैं 10 मिनट में वॉइस ओवर करके चल जाएंगे।
ये वॉइस ओवर करने के चक्कर में पूरा पसीना से नहा लिया। देख रहे मेरा मुंह पूरा पसीना से, ये देखिए उधर गेहूं सूख रहा है और कितना बजने वाला है, मतलब 2 बज रहा, 5 बजे है ट्रेन, तो मतलब 4 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। उतने देर में ये हालत हो गया। तब चलते हैं नीचे, बस अपलोड में लगा दे और अपलोड में लगाने के बाद डायरेक्ट जाएंगे नीचे। तो आज अभी शुरू होता है मेरा आज का सेकंड ब्लॉग, मतलब अभी हम जा रहे हैं पटना, तो उसके लिए हम जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं, बाल झाड़ते हैं, आओ पाउडर लगा लिए, बिंदी लगा लिए, बाकी तो मुंह में कुछ लगा नहीं सकते। और ये मैडम को देखिए, कुछ देखा ही, दिन भर खाली सीरियल देखते गाइस, दिन भर सीरियल। और अभी बज रहा है 4 और ट्रेन शायद आने वाला 5 बजे, तो अभी ट्रेन आने में काफी ज्यादा टाइम है। ट्रेन बेला से खुले हैं संजर्मा, ट्रेन उस टाइम बेला से खुल गया था, तो अभी जल्दी जल्दी होते हैं तैयार, 5 बजे यहाँ ट्रेन आ जाएगा, मतलब हम 4:30 में यहाँ से निकलेंगे, आधा घंटा तो जाने में भी लगेगा, तो अभी जल्दी जल्दी तैयार हुआ हो जाते हैं। बैग ये रहा हमारा बैग, बैग में 2 टी शर्ट था, 1 ट्राउजर था बस। हम लोग का बैग में कुछ सामान नहीं रहता है, जितना कम सामान लेके चलो उतना ही सबसे अच्छा रहता है। तो अभी जस्ट हम लोग हम रेडी हो चुके हैं, और तो तुमको कैसा लग रहा है हम जा रहे हैं, तुम बोल दे बढ़िया अच्छा, बेज्जती घोर बेज्जती, को इज्जते नहीं है। तो अभी जस्ट रेडी हो चुके हैं और 5 से 7 मिनट में निकलेंगे गाइस। तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बाप रे अंत गर्मी कर ले, इतना प्यार नहीं बरसाने के। आज इसको देखिए, इसको गर्मी लग रहा है और इसको जाना है, इसलिए सोच रहे हैं कि जाते जाते इसको जल्दी से निकलते हैं गाइस, अब मिलते हैं फिर आपसे रास्ते में। चलिए गाइस अभी हम जाने वाले और इसको कह रहे हैं कि हम गोड़ लग आह हो, तो सकोची कहते बताइए बहनी है ना एक गोड़ लगा, एकदम इसको दिमाग नहीं है कि अगर बड़ बहन जा रही है तो गोड़ लगना चाहिए, हम आशीर्वाद देंगे ना, आ रही है गोड़ लगने ठीक, लेकिन ये अच्छा रहता है तो गोड़ लगना चाहिए। और देखिए लड़ रही है कि हम गोड़ नहीं लगेंगे, हाँ ना लगूंगा, ठीक है गाइस चलते हैं, जो ठीक हो जो अच्छा रहे हैं। गाइस अभी जस्ट हम घर से निकल गए, थोड़ा सा चावल लिए थे क्योंकि चावल खत्म हो चुका था मेरे पास, और कुछ कुछ आम लिए, 6-7 आम लिए, चावल लिए, और सीधे चलते हैं पटना। चलिए तो अभी तो सीधा घर से निकले ही हैं, अभी जाएंगे हमारा ट्रेन ना अभी जहानाबाद कोर्ट से 1 हॉल्ट पीछे है, मतलब मई हॉल्ट है। और देखिए कितना बाप रे चलने में भी डरावना टाइप लग रहा है, ऐसा सीन लग रहा है। अभी जस्ट निकले हैं और हम इसीलिए ना 5 बजे वाला ट्रेन से निकले कि मतलब कम धूप रहेगा, थोड़ा जाने में भी आरामदायक लगेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, 5 बजे भी वही हालत है, मतलब कभी भी जाइए आपको वही हालत मिलेगा। लेकिन हल्का हल्का हवा चल रहा है तो ठीक लग रहा है। अब पता नहीं मेन तो हमको आते टाइम सीट मिल गया था, जाते टाइम सीट हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। और मेन पटना जाने का भी रीजन क्या हुआ कि अभी कल हमको अपना कॉलेज वाला सारा काम जो हम CLC नहीं लाए थे वो लाएंगे। अब चलते चलते बोलते हुए तो थक जाते हैं एकदम, लग रहा है अभी हमको हफनी का बीमारी हो जाएगा। तो चलिए गाइस अभी मेन पहुंचते हैं अपने हॉल्ट पे। देखिए मेरा गांव ना उधर मेरा घर पड़ता है, वो है तिनेरी, और ये जो हम इधर से होके जाते हैं ना ये हमारा जमालपुर है। तो अगर आप तिनेरी में सबसे पहले इन कीजिएगा तो आगे से मिलेगा जमालपुर, 2 गुमटी है, और पीछे वाले गुमटी से मिलेगा गोपालपुर, उसके बाद ही आप मेन तिनेरी में इन कीजिएगा। तो मेरा गाँव पड़ता है तिनेरी में, तो अभी जस्ट निकले ही हैं, 5 से 7 मिनट में हॉल्ट पर पहुँच ही जाएंगे, और ट्रेन तब तक जहानाबाद से खुल जाएगा आ भी जाएगा, जाते जाते मौसम सही हो जाएगा, मतलब हम पहुंच जाएंगे सही। तो गाइस फाइनली अभी जस्ट हम पहुंच गए, हुआ क्या कि ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ था और हम ट्रेन में ज्यादातर शूट नहीं करते हैं, तो फिर हम उतरे जल्दी से, ऑटो मिल गया तो हम फोन वो नहीं निकाले, कहीं भुला ना जाए, चोरी ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जस्ट फाइनली आ गए अपने गली में और अभी जा रहे घर।